दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। गलत फहमी हो गई है कि मांस खाने से ताकत आती है, बिल्कुल नहीं आती। हमारे देश का एक पहलवान है, उसका नाम है सुशील कुमार। अभी थोड़े दिन कुश्ती में उसने दुनिया के सबसे ताकतवर पहलवान को पटक दिया, और जिस पहलवान को पटका वो मांस खाता है, और ये सुशील कुमार संपूर्ण शाकाहारी है। ये सुशील कुमार का भी इंटरव्यू आया टीवी पे, मैंने देखा। उसको पूछा गया कि तुम गए थे कुश्ती लड़ने रूस में, वहां तो ठंड बहुत पड़ती है, तो खाना क्या खाया? उसने कहा मेरी अम्मा से बनवा के ले गया था शाकाहारी खाना, वो ही खाया, दूध पिया और शाकाहारी खाना खाया, और दुनिया के सबसे मजबूत पहलवान को पटक दिया उसने। और अब सुशील कुमार विश्व चैंपियन है पूरी दुनिया में कुश्ती के पहलवान। क्या होती है आपका? मैं वेजिटेरियन मैडम, और दूध है, दही है, मक्खन है, बादाम है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े पहलवान हुए हैं जो एकदम शुद्ध शाकाहारी थे। तो आप ये गलत फहमी निकाल दो कि मांस खाने से ताकत आती है। अगर मांस में ताकत होती तो रूस का पहलवान जीतना चाहिए, क्योंकि वो मांस खाता है। सुशील कुमार हारना चाहिए, क्योंकि वो तो शाकाहारी है। लेकिन सुशील कुमार जीता और मांस खाने वाला पहलवान हारा। मांस में कोई ताकत नहीं है, बल्कि मांस शरीर की ताकत को खत्म करता है। मत खाना ये मांस, छोड़ देना। भगवान ने ये शरीर बनाया है दाल चावल रोटी सब्जी सलाद फल आदि आदि खाने के लिए, और मांस खाने की हमें क्या जरूरत है जब हमारे पास खाने पीने के लिए इतना कुछ है। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां दाल पैदा नहीं होती, जहां सब्जियां पैदा नहीं होती, जहां अन्न पैदा नहीं होता, वहां के लोग मांस खाएं तो समझ में आता है। भारत में तो सब तरह का अन्न पैदा होता है, सब तरह की दाल पैदा होती है, सब तरह की सब्जियां हैं, और सब तरह का हमारे पास हर चीज भगवान ने दे रखी है, मांस खाने की जरूरत नहीं। और कई गांव के लोगों को ये भी गलतफहमी हो गई है अंडा खाने से ताकत आती है। अंडे से ज्यादा ताकत चने में। जो लोग रोज अंडा खाते हैं ना, वो छोड़ दें, कुछ फायदा नहीं है उसमें, बल्कि अंडा और ज्यादा बीमार करता है। क्योंकि अंडा जिस मुर्गी से आया, अगर वो मुर्गी में थोड़ी भी तकलीफ है तो आपको तो बड़ी तकलीफ होने वाली है। तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं? चना खाओ, मूंगफली खाओ, गुड़ खाओ, मूंग की दाल खाओ, उड़द की दाल खाओ, चने की दाल खाओ, लौकी की सब्जी खाओ, ये सब ताकत देने वाली चीज है। केला खाओ, केले में जितनी ताकत है किसी में नहीं। दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को मैंने देखा, वो केला खा के मजबूती से खेलते। मैंने अपनी जिंदगी में कुछ टेनिस खिलाड़ियों को देखा, एक बोरिस बेकर को मैंने देखा जो इतनी तेज बॉल मारता है कि राजधानी से भी ज्यादा स्पीड से बॉल जाती है जब वो सर्विस करता है, बोरिस बेकर। और मैंने देखा वो हर समय केला खाता रहता है अपने थैले में से निकाल के। लॉन टेनिस का जितनी देर मैच चलता है और मैच में थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है, बोरिस बेकर केला खाता रहता है। वो केले में ताकत है, अंडे में नहीं है। तो अंडा छोड़ के केला खाओ, मूंगफली खाओ, गुड़ खाओ, चना खाओ। अपने देश में बहुत कुछ भगवान ने दे रखा है, तो आप शुद्ध खाना खाओ। ये मांस खाना बंद करके शाकाहारी अच्छा खाना खाते रहो। खाने का तरीका मैंने बताया कि खाने के एक घंटे बाद पानी पीना, पानी घूट घूट पीना, और एक नियम है कि सवेरे सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पियो। जैसे ही आपकी आंख खुले और नींद खत्म हुई, तुरंत पानी पी लो। सुबह पानी पियो उठते, तो फायदा सबसे बड़ा ये होता है कि पानी पियो उठते ही, फिर उसके बाद आप टॉयलेट जाओगे तो पेट आपका एकदम साफ होगा।
हमारे बाहर के देशों के खिलाड़ियों के बारे में से एक के बारे में जानकारी मुझे है बहुत पक्की और गहरी, बोरिस बेकर नाम का एक टेनिस प्लेयर, वो बहुत सारे यूरोप के और अमेरिकन कंपनियों के विज्ञापन करता रहा हेल्थ टॉनिक के। एक बार बोरिस बेकर को पूछा गया कि आपकी जो सर्विस करते हो टेनिस में, आप जानते हैं बॉल को रैकेट से मारना है तो बहुत तेज स्पीड से जाती है, तो उसकी स्पीड कितनी है? तो उसने कहा 135 किलोमीटर घंटे की स्पीड है, माने भारत में राजधानी जिस गति से जाती है उस गति से बोरिस बेकर बॉल मारता है टेनिस के रैकेट से। तो पूछा गया कि ये ताकत कहाँ से आई है? तो उसने कहा केले में से आई है। बोरिस बेकर ने ऐसा जवाब दिया कि केले में से आई है। तो जो पूछने वाला पत्रकार था उसने कहा क्या बोला? उसने कहा केले में से आई है, मैं बचपन से केला खाता हूं। और बोरिस बेकर ने बताया कि जब भी टेनिस का मैच मैं खेलने के लिए जाता हूं तो ढेर सारे केले भर के मेरे बैग में रख के लेके जाता हूं। मैच जब चलता है टेनिस का तो आप जानते हैं कोर्ट चेंज होता है हमेशा, एक बार इस कोर्ट से खेलेंगे दूसरी बार, तो वो कहता है जो कोर्ट चेंज करने का समय उतने में मैं दो केले खा लेता हूँ, फिर खेलता हूँ, फिर दो केले खा लेता हूँ, फिर खेलता हूँ, फिर दो केले खा लेता हूँ। उन्होंने कहा ये ताकत तो केले में से आई है। तो फिर उसको कहा गया कि फिर वो विज्ञापन जो करते हो आप हेल्थ टॉनिक्स का? उसने कहा वो तो पैसे के लिए करता हूँ, खाने के लिए थोड़ी करता हूँ। केला तो बोरिस बेकर जैसा मजबूत टेनिस खिलाड़ी जिसकी स्पीड के बारे में सारी दुनिया के विशेषज्ञ कहते हैं कि उसके आगे की स्पीड अभी तक तो कोई दे नहीं पाया बॉल में, वो कहता है कि मैं केला खा के ताकत लाया हूँ। तो आपके पास आने वाले मरीज को ये कहानियाँ सुनाइए, बोरिस बेकर की कहानी सुनाइए, ये सब क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बताइए कि ये अपनी ज़िंदगी में साधारण चीज़ें खाकर असाधारण बने हैं। मैं आपसे कहाँ से शुरू करें इसको, तो एक सरल संकेत करना चाहता हूँ। हमारे भारत के देश में जो फालतू गैर जरूरी दवाएं बिक रही हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा है हेल्थ टॉनिकों की। उनके कुछ ब्रांड नेम हैं, जैसे बूस्ट है, हॉर्लिक्स है, प्रोटीनेक्स है, बॉर्नविटा है, मॉल्टोवा है। फूड सप्लीमेंट्स के रूप में आप उनके अलग अलग ब्रांड नेम जानते हैं। यहीं से शुरुआत करिए, क्योंकि इनमें से किसी की भी गरज और जरूरत हमारे देश के नागरिकों को नहीं है। आप पूछेंगे क्यों जी, बूस्ट में जो कुछ है, प्रोटीनेक्स में जो कुछ है, बॉर्नविटा में जो कुछ है, मॉल्टोवा में जो कुछ है, वो पता है 300 रुपए किलो का है, 250 रुपए किलो का है, 280 रुपए किलो का है, 350 रुपए किलो का है, 400 रुपए किलो का है। अब 400 रुपए किलो का, 350 रुपए किलो का किसी को हेल्थ टॉनिक या फूड सप्लीमेंट आप खिलवा रहे हैं या लिख रहे हैं, उससे अच्छा ये है कि उसको कह दीजिए मूंगफली खा लो, मूंगफली के साथ थोड़ा कुछ मकई खा लो, कुछ जौ ले लो, कुछ चना खा लो, गुड़ ले लो थोड़ा सा, तो गुड़ मूंगफली खा लो, गुड़ चना खा लो, गुड़ जौ का सत्तू खा लो, चना गुड़ मूंगफली तीनों मिला के खा लो। ये आसानी से उपलब्ध है, बड़ी कीमत नहीं है इनकी, बहुत सस्ती कीमत में ये सब चीज़ें। और अगर किसी की हैसियत है कि वो 400 रुपए किलो का हेल्थ टॉनिक खा सकता है तो उसको कह दो 400 रुपए किलो का बादाम ही खा लो, कचरा क्यों खा रहे हो, काजू खा लो, काजू नहीं है तो बादाम, मुनक्का, किशमिश, मखाने, जो भी आपको समझ में आता है आसानी से उपलब्ध है वो खिला दो। और आंवला का रस ले लो, एलोवेरा का रस ले लो, गिलोय का काढ़ा बना के पी लो, गिलोय का सत ले लो, ये सब खून की कमी को ख़त्म करने वाले हैं। गाजर ले लो, अमरूद में जितना आयरन है आप जानते हैं उतना सेब में भी नहीं, केला है, अमरूद है। भारत में तो ऐसी व्यवस्था है कि जो फल जितना सस्ता उतना ही ज्यादा भरपूर विटामिन से और उतना ही ज्यादा वो पोषक तत्वों से भरपूर। हाँ, केला सस्ता है, अमरूद सस्ता है, आंवला सस्ता है, ये सब हैं। तो आप मरीज को बस थोड़ी सी दिशा बदल दो उसकी, क्योंकि उसके दिमाग में भूत सवार है कि बूस्ट से ही उसके बेटे को ताकत आने वाली है। वो रोज विज्ञापन देखता है टीवी पर, सचिन तेंदुलकर की शक्ति बूस्ट, राहुल द्रविड़ की शक्ति बूस्ट, तो किसी और वीरेंद्र सहवाग की शक्ति बूस्ट, धोनी की शक्ति बूस्ट, तो वो रोज देख रहा है टीवी पे क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा है तो ये विज्ञापन सबसे ज्यादा आ रहा है। तो उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि बेटे को तेंदुलकर ही बनाना है तो बूस्ट खा के ही संभव है। और उन्होंने बचपन में कभी नहीं खाया। और मजे की बात यह है कि ना तेंदुलकर ने कभी बूस्ट खाया, ना सहवाग ने कभी बूस्ट खाया, ना धोनी ने खाया, ना किसी दूसरे क्रिकेट खिलाड़ी ने।
ये सब जो पैदा हुए वो किसान परिवार में हुए और गरीब थे और ये साधारण चीजें खा के ही ताकतवर। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।